Assalamualaikum dear students, me Sheikh Asif, tutor of mathematics of YouTube channel SA Math Vibes. Dear students, SA Math Vibes discuss करने जा रहा है relation between polar rectangular coordinate system. Polar and rectangular coordinate system में कौन सा relation पाया जाता है. हम पहले सीखेंगे polar coordinate system क्या होता है, फिर rectangular coordinate system, फिर उनका relation develop करेंगे और उसके बाद उनसे जो फार्मूले डेवलप होंगे फिर देखेंगे उनसे किस तरह की क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो बना के देता है और आपसे किस तरह सॉल्यूशन मांगता है. दो चीज़ें हैं, एक तो पोलर कोऑर्डिनेट है, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है. सो हम वन बाय वन इसको सीखते हैं. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैंने एक एंगल बनाया. नॉर्मली जैसे एंगल बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, एंगल कैसे बनता है, मेरी प्लेलिस्ट में जो है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से एक फोल्डर होगा, उसमें आपको एंगल से मुतलक जो है वो लेक्चर मिल जाएगा. आप जाके वहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं और एंगल किस तरह बनता है ये चीज़ें आप अपनी वहाँ पे सीख सकते हैं. सो इस वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते थे, ये आपके पास इनिशियल रे थे, ये आपके पास टर्मिनल रे और ये एंगल आपके पास थीटा. सो पहले इसको देख लेते हैं, फिर थ्योरी को पढ़ते हैं. ये वर्टेक्स को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोल बोलते हैं और वर्टेक्स से पोल से जो लाइन जो स्टार्ट होती है उसको पोलर एक्सिस बोलते हैं. मीन इनिशियल टर्म को पोलर एक्सिस बोलते हैं. जो फाइनल टर्म, जो फाइनल रे है या जो फाइनल आपके पास आरम है उसको रेडायल जो है वो रेक्टेंगुलर सिस्टम बोलते हैं. और पी आपके पास पोलर पॉइंट्स है जिसके आगे अंदर पॉइंट जो है वो आर थीटा है. आर आपके पास मॉडुलस है, मीन पोल से पॉइंट की दूरी कितनी है ये आर है. और थीटा आपके पास जो है वो पोल एंगल है. सो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती है डियर स्टूडेंट्स, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती हैं. सो आइए इसको देखते हैं. अ पोल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन अ प्लेन फिक्स पॉइंट ओ कॉल्ड पोल. इस फिक्स पॉइंट ओ को क्या बोल देते हैं, पोल. एंड रे फ्राम पोल कॉल्ड पोलर एक्सिस. और ये वाली रे जो है जो पोल से स्टार्ट होती है उसको पोलर एक्सिस बोलते हैं. पॉइंट आर थीटा इन पोलर, पॉइंट आर थीटा इन प्लेन कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट. एंड आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू पोल. आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू पोल. थीटा इज एंगल ऑफ पोलर एक्सिस. थीटा इज एंगल ऑफ पोलर एक्सिस. R इज रेडायल कोऑर्डिनेट. ये वाला R जो है वो रेडायल कोऑर्डिनेट है. और थीटा इज एंगुलर कोऑर्डिनेट. थीटा एंगुलर कोऑर्डिनेट है. R इसको पोल एंगल भी बोलते हैं. ये डियर स्टूडेंट्स ब्रीफ समरी थी पोलर कोऑर्डिनेट की. जहाँ से वर्टेक है उसको पोल बोलते हैं, पोल से जो लाइन स्टार्ट होती है उसको पोलर एक्सिस बोलते हैं, जो थीटा बनता है उसको एंगुलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, R को रेडायल कोऑर्डिनेट बोलते हैं, P जो पॉइंट है वो पोलर पॉइंट्स कहलाते हैं. ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिलके आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती है. मीन आपको एक आर दे दिया जाए और थीटा दे दिया जाए तो आप उससे पोलर कोऑर्डिनेट बना सकते हैं. जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 645 डिग्री लिखा हुआ है ग्राफ में, मैंने ड्रा किया ताकि ये सारी थ्योरी ग्राफ के ज़रिए समझ में आ जाए. सो ये आपके पास आर है, आर आपके पास सिक्स है. मीन आर इस पोल की इस पॉइंट से दूरी है, डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता. सो ये आपके पास सिक्स है, एंगल 45 डिग्री है. सो एंगल 45 डिग्री, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव आर 45 डिग्री. ये आपने क्या कर दिया, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का पॉइंट एक ग्राफ में प्लॉट कर दिया. इसी तरह एक एंगल आपके पास 120 डिग्री है और आर आपके पास 5 है. सो 120 डिग्री आपके पास जो है, आप इसको अगर ऐसे करो तो ये 90 डिग्री से आगे 120 डिग्री, तो 5 पॉइंट है और आपके पास थीटा जो है 120 डिग्री है. तो इस तरह अगर आपको डियर स्टूडेंट्स आर और थीटा दे दिया जाए तो आप उसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट कर सकते हैं. सिमिलरली जैसे हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी जाए तो हम किसी भी उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा कर सकते हैं. इसी तरह अगर आपको आर और थीटा दे दिया जाए तो आप उसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा कर सकते हैं. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स है ओरिजिन, एक्स आपके पास वाई आ गया. सो पॉइंट एक लिए एक्स वाई, उसको ओरिजिन से मिला दिया. इस पॉइंट की ओरिजिन से दूरी को आर बोलते हैं
और जो एंगल ये यहाँ पे एंगल जो बन रहा है डियर स्टूडेंट वो 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री की जो एडजेसेंट साइड होती है वो आपके पास बेस कहलाती है, जो परपेंडिकुलर साइड होती है वो आपके पास जो आपके पास 90 डिग्री से जो है वो परपेंडिकुलर बना रही होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, और परपेंडिकुलर के सामने वाली जो साइड होती है डियर स्टूडेंट्स वो हाइपोटेनस कहलाती है। सो इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर यूज़ किया जाए तो आपके पास कॉस थीटा एक्स ओवर आर, साइन थीटा वाई ओवर आर और टेन थीटा वाई ओवर एक्स होता है। सो कॉस थीटा एक्स ओवर आर, साइन थीटा वाई ओवर आर, टेन थीटा वाई ओवर एक्स होता है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। डियर स्टूडेंट्स इनको याद रखना है, इनको हमने यूज़ करना है जब हमने रिलेशन डिवेल्प करना है, एक एक्स आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा। सो रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमने एक्सेस ड्रा किए, ये हमारा पोलर एक्सेस है, ये एंगल 90 डिग्री का, ये पोलर एक्सेस भी है और ये रेक्टेंगुलर एक्सेस भी है। तो एक पॉइंट लिया पी आर थीटा जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को शो करता है, एक पॉइंट लिया एक्स वाई जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को शो करता है, और दोनों को मिला दिया किसके साथ, ओरिजिन के साथ, और दोनों का जो पॉइंट का ओरिजिन से फासला है उसको आर से डिनोट कर दिया। तो ये एक्स है, ये आपके पास वाई है, आर आपके पास हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और थीटा आपके पास लाई करेगा जीरो टू पाई के दरमियान। एज वी नो दैट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि अगर राइट ट्राई एंगल हो तो जो आपके पास हाइपोटेनस है ये इक्वल होता है बेस के प्लस परपेंडिकुलर के, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर आपके पास वाई और एक्स दो साइड्स गिवन हो तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा यूज़ कर सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता है कि वो आर और थीटा है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का सिस्टम का पता है वो एक्स और वाई है। सो दोनों को फाइंड आउट करने का प्रोसीजर भी हमने सीख लिया। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस में वो कभी आपको देगा, वो आपको देगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दे देगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपसे डिमांड करेगा, या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दे देगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपसे डिमांड करेगा। सो देखते हैं, मैंने दोनों के ऊपर एक एक एग्जांपल जो है वो ली है ताकि ये सारी अंडरस्टैंडिंग जो है बाई क्वेश्चन क्लियर हो सके। फाइंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ऑफ पी सिक्स टू पाई बाई थ्री। अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट तो फाइंड आउट करना है ना, ये टू पाई बाई थ्री है, इसका मतलब ये एंगल है आपके पास थीटा जो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, थीटा जो है हमेशा रेडियन को डील करता है, डिग्री में डील नहीं करता डियर स्टूडेंट्स, हमेशा रेडियन में डील करता है। सो फाइंड आर सी ऑफ पी सिक्स टू पाई बाई थ्री बाई पी सी, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो उसने हमें दे दी है वो सिक्स है, थीटा दे दिया टू पाई बाई थ्री। फाइंड आर सी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मांग रहा है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन से होते हैं, एक्स वाई आर। सो आपके पास y इक्वल आर साइन थीटा, x इक्वल आर कॉस थीटा, और r चाहिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली हम ये फार्मूले अप्लाई करते हैं तो y इक्वल टू आर साइन थीटा, y इक्वल टू आर सिक्स है साइन टू पाई बाई थ्री, एंगल उसने दे दिया y सिक्स साइन टू पाई बाई थ्री, आपके पास वैल्यू देता है डे स्टूडेंट थ्री अंडर रूट बाई टू। सो टू से थ्री सिक्स कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू थ्री इंटू थ्री स्क्वेयर रूट, वाई का रिजल्ट आ गया। सिमिलरली एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक्स आर सिक्स है कॉस थीटा टू पाई बाई थ्री है, सो कॉस टू पाई बाई थ्री पे आपको वैल्यू देगा कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। तो आपके पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है डियर स्टूडेंट ये दो ही है, एक एक्स और एक वाई, क्योंकि आर जो है वो यहाँ पे आपके पास पोलर में मौजूद है। तो आपके पास ये दोनों क्या आ गए, हिंस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ पी माइनस थ्री, थ्री इंटू थ्री स्क्वेयर रूट। अगर आप इसको ग्राफ में ड्रा करना चाह रहे हैं जो डाटा उसने आपको दिया तो आप ड्रा कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, दो नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ग्राफ अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी, ना बनाना चाह रहे तो भी ना आपकी मर्ज़ी, आप इसको स्किप करना चाहें डियर स्टूडेंट्स तो स्किप कर सकते हैं। सो हमारे पास था, अगर हम 2 पाई बाई थ्री को कन्वर्ट करेंगे ये 120 डिग्री में आएगा, सो पॉइंट 120 डिग्री और
और आपके पास रेडियन में आ गया और पॉइंट दिया 6, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट था जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमें गिवन था और हमने उसको यूज़ करते हुए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व किया या फाइंड आउट किया। अब वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको देगा और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपसे डिमांड करेगा। फाइंड पी सी ऑफ पी माइनस टू, टू इंटू टू, टू इंटू थ्री स्क्वेयर रूट। सो पी सी मीन पोलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम को फाइंड आउट करना है बाई आर सी माइनस टू, टू थ्री स्क्वेयर रूट। सो एक्स इक्वल टू माइनस टू, वाई इक्वल टू टू इंटू थ्री स्क्वेयर रूट। फाइंड पी सी आर थीटा हमें चाहिए, आर सी उसने दे दिया, पी सी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आर थीटा चाहिए। सो आर हमें पता है आर स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। सो आर स्क्वेयर इक्वल टू माइनस टू का स्क्वेयर प्लस टू इंटू थ्री स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर। सो आर स्क्वेयर इक्वल टू फोर प्लस थ्री मल्टीप्लाई थ्री, फोर प्लस फोर मल्टीप्लाई थ्री, सो आर स्क्वेयर इक्वल टू सिक्सटीन। सो आर प्लस माइनस सिक्सटीन का स्क्वेयर रूट प्लस माइनस फोर। हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था कि आर ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि वो डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देंगे, जस्ट पॉजिटिव लेंगे। सो आर इक्वल टू फोर, सो आर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स फोर निकल आया। सो टेन थीटा टू इंटू थ्री स्क्वेयर रूट माइनस टू वाई ओवर एक्स करेंगे। अब हमारे पास ये नेगेटिव आ रहा है तो टेन थीटा नेगेटिव होता है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा जो है पॉजिटिव होता है। सो हम कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे या फोर्थ क्वाड्रेंट लेंगे, क्योंकि टेन थीटा दोनों में नेगेटिव है। ये हमें बताएंगी एक्स और वाई की वैल्यूज़। अगर एक्स नेगेटिव है तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है और अगर वाई नेगेटिव है तो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पर देखते हैं आपके पास एक्स नेगेटिव है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सो टेन थीटा माइनस थ्री अंडर रूट, सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस थ्री अंडर रूट माइनस क्या आ जाएगा आपके पास पाई बाई थ्री। सो पाई बाई थ्री मीन आपके पास 60 डिग्री। अब ये टेन थीटा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास कौन से पॉइंट्स हैं, माइनस टू टू, माइनस टू इंटू टू इंटू थ्री स्क्वेयर रूट आपके पास पॉइंट गिवन थे और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में डेस उन्होंने पाई माइनस थीटा, सो पाई माइनस थीटा आपके पास क्या है पाई बाई थ्री। सो पाई बाई थ्री माइनस करेंगे तो आपके पास टू पाई बाई थ्री आ जाएगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स फोर टू पाई बाई थ्री। सो ये थे डियर स्टूडेंट्स पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रिलेशन बिटवीन द पोलर एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन हमने दो एग्जाम्पल्स ली, जो एक एक में वो आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देता है और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मांगता है और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देके पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मांगता है। इसी तरह की ये जो प्रैक्टिस है आपकी पोलर और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।